बंद करें यार, इतनी देर से कह रही हूँ, प्लीज मुझे एक अच्छी सी चाट खिला दें। प्लीज कल खा लेना, आज ऑफिस से इतना काम लेके आया हूँ, मुझे वो करने दो। एक चाट खिलाने का तो कह रही हूँ, कभी तो मेरी बात मान लिया करें। किस खुशी में चटपटी चीजें खाने का दिल चाह रहा है भाई, हैं? अगर मेरा दिल चाहे तो चलो बात भी बनती है। मामानी जान बनाने जा रही हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारा किस खुशी में दिल चाह रहा है? अरे आपा, आपका दिल चाह रहा है, आप कहीं तो ले आओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम अपने दफ्तर का काम निपटाओ, हैं भाई, सारी जिंदगी पड़ी है चस्के लेने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही थी आप। अदाएं देख रहे हो बीवी की? मैं तो ऐसे बहाना बना रही थी, कहां रात को धक्के खाते फिरोगे, सवारी भी तो नहीं ना तुम्हारे पास, बहाना बना भगा दिया मैंने से। चलो चलो काम करो, काम करो, तुम काम करो। मायरा, फिर नाराज हो गई ना मुझसे, हर वक्त मुझसे नाराज ही रहती हो। रहने दे बिलाल, आपा के सामने तो आपकी आवाज निकलती नहीं है। अरे भाई बड़ी है वो मुझसे, और वैसे भी इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है उन्होंने। अच्छा खैर, तुम अपना मूड तो ठीक करो ना बिलाल। तुम्हें पता है ना, कल मेरी दोस्त की शादी है और हमें वहाँ जाना है। बिल्कुल पता है, और हम जरूर जाएंगे और खूब तैयार होके जाएंगे। हाँ प्लीज तुम साड़ी पहनना ना, इसमें तुम बहुत प्यारी लगती हो। साड़ी तो मैं पहनूंगी, मगर पहले पप्पो से तो इजाजत ले लें। अरे मुझे पूछने की क्या जरूरत है, बस मैंने बोल दिया तो हम जाएंगे। ओ, तो इसका मतलब है कि आप पप्पो से नहीं पूछेंगे? नहीं। आपा से भी नहीं? नो। लाला वाकई में इजाजत नहीं लेने वाले? अरे भाई क्या जरूरत है मुझे पूछने की, ये फैसला अटल है। सोच ले बिलाल। सोच लिया। बस बस रहने दे। अरे मायरा पूरी बात तो सुन लो, इजाजत तो लेनी पड़ेगी। अरे तुमने खाम खा टोक दिया, जाने देती ना। खुदा की कसम मम्मी, आपको भी कब अकल आएगी, इकलौते बेटे की माँ है, कुछ मेरी सास ही सीख ले आप। अल्लाह ना करे मैं तेरी सास जैसी बनूं, वैसी घुमन गेरियां नहीं आती मुझे, सास जैसी बन जाओ। खुदा की कसम, शादी के 3 सालों में सिर्फ 3 दफा जाने दिया था उस औरत ने मुझे, शायद के साथ बाहर। आप भी जरा खींच के रखें, इकलौता बेटा है, अगर उसके पल्लू से बंद गया ना, रोती रहेंगी सर पकड़ के। अरे पिछड़ जा कमबख्त मारी। अरे हिना क्यों ऐसी खौफनाक बातें कर रही है मेरे साथ, अल्लाह ना करे मेरा बच्चा ऐसे हो, अरे सारे घर का खर्चा तो उसी के सर पे चल रहा है। एक तो अम्मा तुम्हें बिलाल की बहुत लगती है, शुक्र करे कि अब्बा घर छोड़कर गए, वरना किराए भी भरने पड़ते। और अब मुझसे कोई उम्मीद ना रखे कि सिलाई और नौकरियां करके ना इस घर को चलाऊंगी, अब्बा के बाद ये घर मैंने चलाया, मेरा तो एहसान कोई मानेगा नहीं ना, अब ये फर्ज सिर्फ बिलाल का और से करना पड़ेगा। इसीलिए कहती हूँ उठते बैठते ट्यूनिंग करती रहा करें दोनों की, वरना किसी अलग ही चैनल पर चलना शुरू हो जाएंगे दोनों। हाँ वैसे कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, अरे मेरा बिल्लू तो वैसे इतना भोला भाला सा है, जल्दी बातों में आ जाता है। इसीलिए कहती हूँ नजर रखा करें आप। तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? आनी आप यहाँ बैठ के अपने नेल कलर लगाती रहे, अब वहाँ शिजा हर चीज पे कब्जा कर लेगी। उस मिडिल क्लास लड़की में इतनी गट्स कहाँ है? अच्छा वो मिडिल क्लास लड़की अभी अभी रंधावा अंकल के साथ ऑफिस से आई है। क्या ऑफिस गई है? जी नीचे लाउंज में बैठ के रंधावा अंकल उसकी इंटेलिजेंस के कसीदे गा रहे, खुद सुनकर आ रही हूँ मैं। दिमाग खराब हो गया रंधावा जी का, बहू को बिजनेस सिखाएंगे वो। दुबई से पेमेंट आनी है, उसको हैंडल कर लेना, ठीक है? शकरगंज की पेमेंट को भी चेक कर लेना। ओके बाय बाय। वाह शिजा, तुमने तो डैड को एक ही दिन में इंप्रेस कर दिया, बहुत खुश है मैं तुमसे। भैया बिजनेस पढ़ के भी किसी का दिमाग अगर बिजनेस में ना चले तो क्या फायदा ऐसी डिग्री का? हाँ सही कह रही हो तुम। चलो छोड़ो इन बातों को, डॉक्टर मधिया के चलें? मैं तो रेडी हूँ, आप कुछ खा लें फिर चलते हैं। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। डॉक्टर ने कितने सारे टेस्ट लिख दिए? शुक्र करो उसने लिख दिए, वरना वो तो कह रही थी हम 1 साल से पहले चेकअप भी नहीं करते। बहुत बड़ा एहसान किया है ना उन्होंने चेकअप करके। यार अपना मूड ठीक करो,
वो देखो कितना क्यूट बेबी है। हाँ बहुत क्यूट है, दिल चाह रहा है उसे जाके प्यार कर लूं। खबरदार, याद नहीं मॉल में क्या हुआ था? लोग बुरा मान जाते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं दूसरों का नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ, अगर तुम ऐसे प्यार आ करो तो कितनी अच्छी लगो। अच्छा तो फिर घर का किचन आप संभाल ले, मैं हमेशा ही ऐसी तैयार शैयार होकर आ करूंगी। अस्तगफिरुल्लाह, मम्मी और पापा से कत्ल करवाओगी मेरा? अगर आपकी तैयारी खत्म हो गई हो तो चले, बारात भी आती होगी। अरे भाई मुझे भी जरा तैयार होने दो, इतनी लड़कियां आई होंगी वहाँ पे, मुझे भी अच्छा दिखने का पूरा हक है। हाँ तो जनाब दूसरी लड़कियों के लिए तैयार हो रहे। हाँ तो और क्या। अब मेरा मतलब है तुम्हारे साथ जो और लड़कियां होंगी, आई मीन मेरी हसीन बीवी के साथ इतनी लड़कियां होंगी उनके लिए। भाई वो हिनापा वॉशरूम में गिर गई है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, हम जल्दी चलें। शिजा, बेटा हारिस का? वो तो जिम गए हुए हैं, बस आने वाले होंगे। ओह बेटा मैं दुबई जा रहा हूँ, मेरी अभी फ्लाइट है। ये एनवलप उसे दे देना, इसमें पैसे हैं कुछ। आप दुबई जा रहे हैं, कब वापस आएंगे? बेटा कल इंशाल्लाह। और उसे कहिएगा कि कल ये बैंक में हर सूरत जमा होने चाहिए, ठीक है? डोंट वरी डैड, मैं उन्हें दे दूंगी। गुड गर्ल, ओके ओके बाय। आई मैं आपको बाहर तक छोड़ नहीं जा रहा, टीवी देखो, मैं चला जाऊँ। ओके बाय। हेलो जी अम्मी, क्या वो वॉशरूम में गिर गई? अम्मी आप परेशान क्यों हो रही है, मैं बस आ रही हूँ ना, बस थोड़ी देर में पहुंच। मुसीबत है। वो बड़ी बेगम साहब ने पूछा है कि आप उनके साथ पार्लर जाएंगी? वो नहीं, उनसे कहो मेरी तबीयत खराब है, खुद ही चली जाए। जी अच्छा। अच्छा सुनो शिजा बीबी कहाँ है? वो तो जी अभी अभी हारिस साहब के साथ अपने महके चली गई हैं। अच्छा ठीक है जाओ, तुम दरवाजा बंद करके जाना। मौका अच्छा है, हारिस और शिजा दोनों ही घर पर नहीं है। रमला तुम शिजा के कमरे में क्या कर रही थी? वो आनी मैं ना नेल पॉलिश लेने गई थी, लेकिन शिजा कमरे में नहीं अपने। हाँ वो गालिबन अपने मैके गई भी है। अच्छा तुम मेरे साथ पार्लर क्यों नहीं जा रही हो? आनी बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। यू आर सो केयरलेस, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हो। In any case, मैं तो जा रही हूँ। Take care. Have fun. I will. आपा, आज तो आपने डरा के रख दिया था मुझे। शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पाँव में हल्की सी चोट आई। अरे मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अम्मी मैं तो डर गई थी खुदा की कसम, अल्लाह ने करम किया है मुझ पर। अम्मी मायरा कहाँ है, नजर नहीं आ रही? वो बुलाया बैठी हुई है कमरे में। वो क्यों, बिलाल भाई से उसका झगड़ा हुआ है?
उस कार्ड के उल्लू में इतना दम है। भाई मैडम ने सहेली की शादी में जाना था, अब मेरी वजह से जा नहीं सकी, बस इसलिए मूड ऑफ करके बैठी हुई है कमरे में। लेकिन आपा, आप तो हॉस्पिटल से फौरन आ गई थी, बिलाल भाई ले जाते उसे। अरे मैंने मना कर दिया था, तुम और हारिस भी तो आ गए थे और खाना भी तो बनाना था। अम्मी, हारिस आपा का पूछ के फौरन चले गए थे, आपको क्या पड़ी थी मना करने की, मैं उससे मिल के आती हूँ। इसे अकल नहीं आएगी क्या सारी जिंदगी भाभियों को इस तरह मुंह लगाता है क्या? मेरी नंदो को नहीं देखा था आपने? इसे जूते की नोक पे रखा हुआ था मुझे, मैंने तो उन्हीं से सीखा है। ये तो ऐसी के ऐसी रहेगी बावली। जब से मेरी शादी हुई है पापा मेरे साथ ऐसे ही कर रही है। वो जानबूझ के थोड़ी गिरी है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, मेरी शादी, मेरी मेहंदी, मेरा हनीमून, हर मौके पर कुछ ना कुछ हो जाता है। मायरा बहुत अफसोस की बात है, तुम आपा की नीयत पे शक कर रही हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी टफ लाइफ गुजारी है उन्होंने। तो इसमें मेरा क्या कसूर है बिलाल? क्यों अपने ससुराल वालों के बदले मुझसे ले रही है? और जब से आपा प्रेग्नेंट हुई है, उन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। अच्छा रोना बंद करो, मैं करूंगा अम्मी से बात। बस बस रहने दे, कर ली आपने अम्मी से बात। हिना आपा, ये आप अच्छा नहीं कर रही मायरा के साथ। हेलो हारिस, डैड ने कोई एनवेलप दिया था तुम्हें मुझे देने को, तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? ओह माय गॉड, वो तो मैं जल्दी में लॉन्च में भूल कर आ गई। व्हाट, आर यू इन योर सेंसेस शजा? तुम्हें अंदाजा भी है उसमें कितना कैश था? आई एम सॉरी हारिस। हारिस आई स्वेयर मैंने वो एनवेलप यहीं रखा था। हाउ कैन यू बी सो इरेस्पॉन्सिबल शजा? मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करोगे। रंधावा जी बहुत अपसेट होंगे। सारी बात है, अब 10 लाख कोई छोटी रकम तो नहीं होती? बात छोटी है बड़ी रकम की नहीं है, जिम्मेदारी की है। आप खुद सब सर्वेंट्स को बुलाएं और पता करें आखिर इतनी बड़ी रकम गई कहां। मैं एक एक सर्वेंट की क्लास ले चुकी हूँ, अब जान ले लूं क्या? शिजा तुम श्योर हो तुमने यहीं रखे थे पैसे? ऑफ कोर्स, मैं बस अपना बैग लेने कमरे में गई, उसके बाद हारिस के साथ अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी। कहीं तुम वो अपनी अम्मी क्या तो नहीं ले गई? व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहती? नहीं आई मीन कहीं तुम वो वहीं भूल आई हो? तुम क्या स्टूपिड बात कर रही हो रमला, जब मैंने कहा ना कि मैंने एनवेलप यहीं रखा था। अच्छा शिजा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खुद सारे सर्वेंट से पता करता हूँ। मम्मी ये लें दवाई। सुनो, खैर है ना? तुम्हारी बीवी एतकाफ में बैठी है क्या? वो आपा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी तबीयत का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी अकल घास चढ़ने जरूर चली गई है। इतने दिनों बाद आई थी शिजा, ढंग से उसे मिली भी नहीं। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है बेटा, मेरे बाद बेशक मेरी बेटियों के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर लेना। अम्मी ऐसे तो ना कहें, वो आई तो थी मिलने, लेकिन शिजा ही थोड़ी जल्दी में थी। बड़ी जल्दी में थी वो। अरे हाँ हिना, शिजा को फोन तो मिला, उसे पूछ लिफाफा मिला कि नहीं। उसे मिल गया होगा अम्मी, इतने बड़े घर में ना इतनी छोटी छोटी हरकतें नहीं होती। और हाँ तुम सुनो, मायरा से कहो मुझे आलू का पराठा बना दे, कसम से इतनी देर से इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे तुम्हें कहूँ। जी। और हाँ उसे कहना चटनी भी बना दे। हैरत है यार, कोई मानने को तैयार ही नहीं, आखिर किसने उठाया होगा? मुझे तो किसी मुलाजिम का काम लगता है। नहीं, सर्वेंट्स में इतनी जरूरत नहीं है। जब आपकी लाई हुई डायमंड रिंग शादी वाले दिन गायब हो सकती है, तो वो एनवेलप, वो तो बिल्कुल सामने रखा हुआ था। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं डैड को कैसे फेस करूंगी।
यार फिलहाल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों हुआ, कैसे हुआ। काम करो, मुझे कॉफी बना दो प्लीज। जी अच्छा। आप माने या ना माने आनी, ये पैसे जो है ना शिजा ने ही इधर उधर किया। शिजा ने? हाँ, उसने सोचा होगा इल्जाम लग जाएगा सर्वेंट्स पर और उसकी फैमिली की फाइनेंशियली हेल्प भी हो जाएगी। एक ही तो उनके घर में कमाने वाला है, उनका भाई, वो भी इतनी मामूली सी जॉब। ओह माय गुडनेस, ये बात तो मैंने सोची भी नहीं। ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, ये ऐसी ही चीप हरकतें करती हैं।